हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइन के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको 10 काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। तो दोस्तों आज भी काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आए हैं, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर ले पहले टेक न्यूज के बारे में। पहला टेक न्यूज आ रहा रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों रियलमी का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला 28 तारीख को। अगर दोस्तों बात कर ले कौन सा स्मार्टफोन है, तो दोस्तों रियलमी C15 रियलमी C11 का दोस्तों ये सक्सेसर है। ये दोस्तों इंडोनेशिया में लॉन्च होने वाला 28 जुलाई को। अगर स्पेक्स के बारे में बात कर ले तो 6000 mAh की बैटरी होगी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा और क्वाड कैमरा सेटअप होगा गाइस। बस दोस्तों अभी तक यही पता चला है। जैसे ही दोस्तों और कोई स्पेक्स मालूम पड़ेंगे मैं दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहना। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बैक में दोस्तों जो रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो मिलेगा, तो दोस्तों आपको साइड भी नहीं मिलेगा, इन तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो दोस्तों इसलिए आपको रियर वाला मिलेगा। तो दोस्तों बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में। अगला टेक न्यूज आ रहा है जियो मार्ट की तरफ से। तो दोस्तों फाइनली जियो मार्ट लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये एक ग्रोसरी स्टोर है जियो की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों ये रिलायंस के रिटेल जो शॉप्स होते हैं उनके थ्रू ये होगा। इसका ऐप भी दोस्तों है एंड्रॉइड और iOS के लिए, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको ग्रोसरीज मंगवाना है तो। काफी अच्छा चीज़ है, अभी दोस्तों ग्रोसरीज ही मिलेंगे, आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिल सकता है यार, कौन क्या जानता है, मुकेश अंबानी जी को बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देख के अच्छा लगता है यार कि हम लोगों की कोई इंडियन कंपनी अब आगे निकल रही है, अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है वीवो की तरफ से। तो दोस्तों वीवो का एक नया स्मार्टफोन लीक हो चुका है। तो दोस्तों वीवो का जो एक मार्केटिंग मटेरियल नहीं होता जिसमें प्रचार होता है दोस्तों, तो दोस्तों वो एक पोस्टर लीक हुआ है वीवो S7 का। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसकी सबसे हाईलाइटिंग फीचर ये है कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 765G देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखो यार, बस यही मालूम चला है, आगे अगर कोई भी स्पेक्स इसके बारे में पता चलेंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी प्राइसिंग क्या होगी यार, प्राइसिंग देखते हैं दोस्तों, काफी लोग हाई वाला रखते हैं और ये तो 5G स्मार्टफोन है। और दोस्तों बता दूं ये कैमरा सेंट्रिक फोन रहेगा। अब देखो दोस्तों कौन से प्राइसिंग में लॉन्च होता है और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है नूबिया रेड मैजिक 5S के बारे में। तो दोस्तों फाइनली इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुका है, जुलाई के 28 तारीख को लॉन्च होगा। स्नैपड्रैगन का 820 प्लस वाला SoC देखने को मिलेगा, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 320Hz का टच सैम्पलिंग रेट है और इसमें आपको थर्मल जेल मिलेगा। कूलिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ और आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कूलिंग ट्यूब्स देखने को मिलेंगी और यहाँ पर जो एयर डक्ट्स होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, यानी कि कूलिंग के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 15,000 RPM वाला सेंट्रीफ्यूगल वाला फैन देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल फैन देखने को मिलेगा जो दोस्तों मोबाइल को और जल्दी ठंडा करेगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आएंगी, अब देखते हैं दोस्तों इसकी प्राइसिंग क्या होती है। गेमिंग स्मार्टफोन है, ऑब्वियस सी बात है इसका प्राइसिंग थोड़ा हाई रहेगा फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह। तो दोस्तों देखते हैं कौन से प्राइस में लॉन्च होता है, मज़ा बहुत आने वाला है। लेकिन तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2। तो दोस्तों इसके कुछ रेंडर सामने आ चुके हैं, आप देख सकते हैं 5 अगस्त को दोस्तों ये लॉन्च होगा, ब्रॉन्ज कलर में दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है। काफी दोस्तों देखने में अमेजिंग लग रहा है। अब दोस्तों सब कह रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर अनपैक्ड इवेंट में 5 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। अब दोस्तों देखते हैं कितने स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, लेकिन नोट 20 और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 ये दोनों तो लॉन्च होंगे ही होंगे। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, सब बोल रहे हैं Z Flip भी लॉन्च होगा। अब दोस्तों देखो मे भी मजा आने वाला है अनपैक्ड इवेंट पे। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है OnePlus Nord की तरफ से। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं OnePlus Nord आज लॉन्च होने वाला है, इसका AR लाइव स्ट्रीम रहेगा, जो AR जो इनविटेशन इन लोग दिए थे, अगर जो बाय किया है तो वो जाके देख सकता है। अगर जिसके पास दोस्तों AR का सपोर्ट नहीं है वो अनबॉक्स थेरेपी के चैनल पे जाना, वो लाइव स्ट्रीम करेंगे, वहां पर दोस्तों आप देख सकते हो उसको। अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पर कितने बजे का लाइव स्ट्रीम रहेगा, तो 7:30 बजे रहेगा, मैंने फिर से बता दिया आपको। और अगर बात कर ले प्राइसिंग के बारे में, तो 37,400 के करीब में दोस्तों लॉन्च हो सकता है, यानी कि 35 या फिर 37,000 के आसपास रहेगा। और वन प्लस बर्ड्स का प्राइस रहेगा 7,400 या 500 के आसपास वो रहेगा। तो दोस्तों प्राइसिंग मेरे को थोड़ी खास नहीं लगी, अब दोस्तों देखते हैं रियल में कितने में लॉन्च होता है। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस
लॉन्च हो चुका है गाइस। इसकी प्राइसिंग है 799। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी ना कि यहाँ पर दोस्तों आपको P22 नहीं मिल रहा है प्रोसेसर में, आपको A25 मिल रहा है। मैं सोचा था P22 होगा या फिर A22 होगा, लेकिन दोस्तों इन लोग तो धमाल कर दिए हैं, A25 दे दे रहे हैं। और दोस्तों जाइए इसको बाई करिए, इसका फर्स्ट सेल है दोस्तों जुलाई के 28 तारीख को फ्लिपकार्ट पे सुबह 12 बजे। जाइए बाई करिए, अच्छा स्मार्टफोन है, आपको अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर दे रहा है। और अगर जानना चाहते हैं तो दोस्तों ऊपर कार्ड्स में वीडियो दे दिया हूँ, जाके इसको देखिए, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का G8 प्लस को दोस्तों फाइनली एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिलना चालू हो गया है। फिलहाल दोस्तों ये अभी ब्राजील और स्पेन यूजर्स के लिए ही है। जुलाई 2020 के सिक्योरिटी पैच के साथ दोस्तों ये आ रहा है। देखिए दोस्तों थोड़े दिन बाद इंडिया के लिए भी आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास मोटोरोला G8 प्लस है तो आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिलने वाला है, खुश हो जाइए। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स अभी टेस्ट कर रहा है 349 का एक प्लान है, जो मोबाइल प्लस उसका प्लान का नाम है। इसमें दोस्तों आपको HD कंटेंट मिलेगा और यहाँ पर आप कंप्यूटर एक्सेस भी कर सकते हैं। अभी टेस्ट कर रहा है दोस्तों, देखिए अब इंडिया में कब आता है। अभी ये पोलैंड में दोस्तों टेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों देखने में अच्छा लग रहा है ये वाला प्लान, तो दोस्तों बहुत मजा आएगा अगर आप दोस्तों नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो, आपके लिए बहुत अच्छा चीज है ये। तो दोस्तों देखते हैं कब इंडिया में ये लॉन्च करेगा। तो दोस्तों बात कर ले आखिरी अपडेट के बारे में। आखिरी अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी का नार्जो 10 का दोस्तों आज सेल था दोपहर 12 बजे। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप रियलमी के नार्जो 10 को बाई कर पाए कि नहीं कर पाए। तो दोस्तों अगर आप बाई कर पाए हो तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है यार, बाई कर लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी इसका सेल खत्म हो गया यार, विद इन दोस्तों 20 से 30 सेकंड में ही खत्म हो गया, मेरे दोस्त ने बताया था। तो दोस्तों टेक न्यूज तो हो गया खत्म। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बोनस टेक न्यूज बताता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी A21s जो है दोस्तों उसका 1000 रुपए डाउन हो गया है। अब आपको दोस्तों वो 17,499 में देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप वेट कर रहे थे सैमसंग गैलेक्सी A21s लेने के लिए, जाओ यार ले लो, 1000 रुपए डाउन हो चुका है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आपको ये 10 टेक न्यूज बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको दोस्तों ये 10 टेक न्यूज अच्छे लगे तो दोस्तों इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो यार, और अगर चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं और मोबाइल से रिलेटेड भी वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग और हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चलिए बाय। जस्ट डू इट। Tired of starting over. Stop giving up.